नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप काफ़ी टाइम से बाजार के अंदर अगर 1 करोड़ या 1.5 करोड़ के अंदर कोई प्रॉपर्टी ट्राई कर रहे हैं तो अभी वो मौका आपके पास आ गया है, लेकिन ये लास्ट चांस है मेरे हिसाब से। इसके बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट नहीं आने जो इस बजट के अंदर है। 1.5 करोड़ के अंदर कोई मकान देखना चाह रहे हैं, चाहे आप सेल्फ यूज के लिए देख रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करने के लिए देख रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट बताने जा रहा हूँ जो प्रोडक्ट बाजार के अंदर यानी पूरे गुड़गांव के अंदर इस रेट के अंदर नहीं है। जो लोग ज़्यादातर या तो दीनदयाल प्रॉपर्टी खरीदते हैं या फिर प्लॉट खरीदते हैं, अगर मैं 1 से 1.5 करोड़ की बजट की बात करूं, लेकिन दीनदयाल की भी सप्लाई है वो बंद हो चुकी है, डिमांड इंक्रीज होने लगी, वो भी हाई रेट के अंदर हो चुके हैं। तो मोस्टली वो भी चीज़ें आपके बजट से बाहर हो चुकी हैं, क्योंकि दीनदयाल जैसे जैसे बंद होता गया वैसे वैसे दीनदयाल की डिमांड बढ़ती गई, क्योंकि जो हाई राइज अपार्टमेंट आ रहे हैं उनकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ी और साइज और ज़्यादा बड़े हो गए, तो वो वैसे ही चीज़ आपकी 5 से 6 करोड़ तक से शुरू होने लगी है। लेकिन जो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे वो प्रॉपर्टी करेंगे फॉर मिडिल क्लास के लिए, यानी 1 से 1.5 करोड़ के बजट में, और ये प्रॉपर्टी काफ़ी डिमांड में है। तो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये प्रॉपर्टी गुरुग्राम के अंदर है और ये प्रॉपर्टी गुड़गांव के न्यू गुड़गांव के अंदर आती है। इस प्रॉपर्टी के अंदर 2 टावर आने हैं जिसके अंदर G+25 स्टोरी इसकी हाइट रहेगी। My1 कंस्ट्रक्शन से ये प्रोडक्ट बनने वाला है और ये प्रोडक्ट आपका क्लोज है आपका मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर एंड पटौदी रोड के साथ, तो कनेक्टिविटी अच्छी है, आसपास की बसावट काफ़ी अच्छी है। जो इसकी मेजर जो कनेक्टिविटी इस प्रोडक्ट की आती है वो आती है आपकी 60 मीटर वाइड रोड प्लस 24 मीटर वाइड और वॉकिंग डिस्टेंस आपका पटौदी रोड। पटौदी रोड आपका 25 मीटर वाइड रोड है जो कि पीछे आपसे बनता हुआ आने लग रहा है, जो कनेक्ट होता है डायरेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे से, और द्वारका एक्सप्रेसवे ऑलरेडी न्यू गुड़गांव के कई जो सेक्टर्स रोड हैं उसको कनेक्ट करता है, और साथ में आपको कनेक्ट करता है IMT मानेसर के अंदर, जो कि एक औद्योगिक सेक्टर्स हैं आपके IMT मानेसर के, तो उसके अंदर आपके मारुति प्लांट्स और कई मेजर ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने प्लांट्स लगा रखे हैं। तो न्यू गुड़गांव एक सेंटर हब है उस एरिया का, क्योंकि एक साइड आपका IMT मानेसर है तो दूसरी साइड आपका गुड़गांव, तो न्यू गुड़गांव इसलिए उसको नाम दिया गया क्योंकि वो जो बसावट है वो न्यू डेवलपमेंट के हिसाब से बस रही है। और उस एरिए के अंदर जितनी भी अभी न्यू लॉन्चेज आ रही हैं सारी 14 से 15 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से लॉन्च हो रही है। चाहे SS ने अभी लॉन्च किया सेक्टर 90 के अंदर, तो वहाँ भी जो रेट है वो 14 हज़ार रुपये के अराउंड है, और सेक्टर आपका 89 के अंदर अभी गोदरेज है वो लॉन्च करने जा रहा है, तो रेट वहाँ पे 20 हज़ार रुपये कोट करने जा रहा है। तो इस प्रोडक्ट की मैं आपको कंप्लीट डिटेल इस बोर्ड के ऊपर समझाने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में ये टोटल कॉस्ट आपको क्या पड़ने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। इस प्रोडक्ट के अंदर अगर देखा जाए तो ये ऑलरेडी 27 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसके अंदर डेवलपर पहले से ही आपके दीनदयाल के प्लॉट है वो लॉन्च कर चुका था, लेकिन अब दीनदयाल नहीं आ रही तो डेवलपर ने क्या किया कि 5 एकड़ के अंदर 2 टावर है वो लॉन्च करने वाला है। उसकी EY अभी डेवलपर लेने लग गया है, रेरा जल्द से जल्द आने वाला है, और इसकी डिमांड बाजार के अंदर काफ़ी अच्छी है क्योंकि इस बजट के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि दोस्तों अभी हम थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल से समझते हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो टोटल लैंड पार्सल आपका 5 एकड़ का है और क्लब हाउस इसमें 2 एकड़ का आएगा। टोटल टावर की बात करें 2 टावर हैं, टोटल यूनिट की बात करें 200 प्लस यूनिट है और 86% ग्रीन एरिया है। इस 200 यूनिट के अंदर 50 यूनिट 2 BHK की और 150 यूनिट आपकी 3 BHK की, यानी 2 BHK 3 BHK प्लस स्टडी, यानी 1400 स्क्वायर फीट से लेके 1800 स्क्वायर फीट तक के इसमें जो है साइज आएंगे, यानी काफी अच्छा साइज हो जाता है 2 BHK और 3 BHK प्लस स्टडी का। तो ये प्रोडक्ट की डिटेल है, 25 स्टोरी ये प्रोडक्ट है। अगर मैं प्राइस की बात करूं आज के दिन, यानी आज के अगर दिन हम बात करें, मैं बात करता हूं कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान यानी CLP प्लान में आपको पड़ेगा 9,273 रुपये का, और अगर मैं PLP पोजेशन लिंक प्लान के अंदर बात करूं तो ये पड़ेगा 9,577, यानी 300 रुपये महंगा है PLP CLP से। यानी इसमें तो कंस्ट्रक्शन जो पेमेंट है आपकी कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपकी पेमेंट जाएगी तो रेट लगेगा 9,277, और अगर पोजेशन लिंक प्लान लेते हो तो 9,577। अब इनमें डिफरेंट क्या है, इसमें तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आपकी होगी वैसे वैसे जाएगी, शुरू की 2 जो पेमेंट होगी वो होती है टाइम के अकॉर्डिंग, वो आपके विद इन 16 डेज के अंदर आपकी पेमेंट मोटा मोटा चली जाती है 20 to 25।
पीएलपी की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल इसमें पीएलपी आ गया 30, 30 एंड 40, या 35, 35, 30, तो ये तो जाएगी अभी, ये जाएगी सुपर स्ट्रक्चर और ये जाएगी पोजीशन पे, यानी आपको टाइम मिलेगा स्टार्ट, मिडल और एंड पे, ये तीन स्टेप आपको मिलेंगे पीएलपी में। अगर हम बात करें आज अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो आप कितने में बाय करेंगे, आज अगर आप खरीदते हैं तो ये प्रोडक्ट के अंदर आपको 1000 रुपये का ईओआई डिस्काउंट मिलेगा, यानी जो ये वाली जो चीज़ है ये हो जाएगी 8,273 रुपये की, और ये वाली जो चीज़ है ये हो जाएगी आपकी 8,577 रुपये की, और ये टोटल बीएसपी है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं है, ये बीएसपी है। डेवलपर कहता है कि जब प्रोडक्ट को मैं लॉन्च करूँगा तो मैं इस प्रोडक्ट को प्लान कर रहा हूँ कि इसको मैं 10,000 रुपये प्लस पे लॉन्च करूँ, यानी 10,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये प्लस में लॉन्च करने की डेवलपर की प्लानिंग है, यानी आप एक अच्छी एवरेज के अंदर ये प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। अगर मैं बीएसपी के अकॉर्डिंग देखूं तो इस टाइम बीएसपी किसी भी हाई राइज प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। अगर आप एक रीसेल प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तब भी 10,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी रीसेल में पड़ती है आज के दिन। अच्छी चीज़, वैसे भी पुरानी चीज़ें अगर लोगे तो आपको सीपेज और एमिनिटीज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पुरानी मिलेंगी, ठीक है। और नए के अंदर अगर आप आज जाते हैं तो यही चीज़ आपको पोजीशन तक अप्रिशिएट होकर 15,000 से 16,000 रुपये तक की आप पोजीशन तक डिमांड कर सकते हैं। मोस्टली आप 80-90% तक का अप्रिसिएशन में बैठ जाएंगे, क्योंकि ये जो रेट है ये नहीं है, उस एरिया के अंदर ऑलरेडी 20,000 रुपये गोदरेज कोट कर रहा है, और दूसरा आपके 13,000 रुपये के अराउंड जो 13 से 14,000 रुपये आपका SS90 के अंदर, और आसपास के वहां का अगर रेट देखे जाए तो अफोर्डेबल प्रॉपर्टी का भी अगर वहां देखे तो मोस्टली वहां पे 100% का एप्रिसिएशन आज के दिन प्रॉपर्टी के अंदर है, जबकि पोजीशन ज़्यादातर प्रॉपर्टी की नहीं हुई है। तो इसलिए ये प्रोडक्ट है ना मिडिल क्लास के लिए, जो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ में DLF इंक्लेव आता है, तो ये जो एरिया है आसपास स्कूल, यदुवंशी स्कूल अच्छा है, वहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उभर के आ रहे हैं, अगर हम जिस रेट के अंदर देखें वो रेट अच्छा है। हम जब भी कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं या तो अगर वो हाई रेट होगा तो नहीं इसका तो ज़्यादा रेट है, अगर कम है तो नहीं ये लोकेशन अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम उसी लोकेशन के अंदर प्रॉपर्टी है वो ट्रैक कर रहे हैं। ये 1 से 1.5 साल का टाइम है दोस्तों, उसके बाद आपके हिसाब की गुड़गांव के अंदर प्रॉपर्टी नहीं बचेगी, क्योंकि सोना को डेवलप करने की तैयारी हो चुकी है और सोना के अंदर ये रेट आपको जल्द देखने को मिलेंगे, और गुड़गांव का ये न्यू गुड़गांव वाला जो एरिया है ये जल्द ही कवर्ड हो जाएगा, उसके बाद आपके हिसाब की प्रॉपर्टी यहाँ नहीं है, फिर आपको रीसेल में पुरानी प्रॉपर्टी या इन्हीं प्रॉपर्टियों को रीसेल में खरीदना पड़ेगा हाई रेट के ऊपर। अगर आप चाहते हैं इसके अंदर एक अच्छा घर लेना, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना और एक छोटे से अमाउंट के अंदर अच्छी इन्वेस्टमेंट को स्टार्टअप देना, तो दोस्तों मिल सकते हैं और इसमें बेटर क्या हो सकता है वो देख सकते हैं और इसको बेटर तरीके से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।